ये हमारा अर्थ स्टेशन है, इसी का हम लोगों को क्या करना है कि अर्थ का रेजिस्टेंस को, जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है उसको मेज़र करना है बाय द यूजिंग ऑफ अर्थ टेस्टर। ये हमारे पास अर्थ टेस्टर है, देख रहे होंगे आप, इसको फ्रंट से दिखा देते हैं। ये इसका स्केल है, यहाँ पे 0 से इसका रीडिंग शुरू हो रहा है और 3 ओम तक जा रहा है, ठीक है। साथ में इसमें जो है दो जो है वो आपका करंट कॉइल है, उसका टर्मिनल है C1 एंड C2, और पोटेंशियल कॉइल का दो टर्मिनल है P1 एंड P2। इसका हम लोग कनेक्शन करते हैं, उसके बाद जो मेरा अर्थ टेस्टर होता है उसमें एक जनरेटर है ना, जिसको हम लोग इस हैंडल की मदद से घुमाते हैं। तो पहले ऐसा कनेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसका जो C1 और C2 जो टर्मिनल है इसको शॉर्ट करते हैं, और C1 C2 शॉर्ट करने के बाद इसका वायर जो है वो अर्थिंग स्टेशन है उसके साथ, उसके टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो वायर हम लोग लेते हैं, ठीक है, और ये वायर का जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे का डबल होना चाहिए। पोटेंशियल जो P2 है इसका जो डिस्टेंस है वो, और C2 का डिस्टेंस जो है वो हाफ रहेगा P2 के। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्टेंस लिए हैं P2 जो है वो हम लोग 30 मीटर लिए हैं, और उसी तरह उसका हाफ C2 हम लोग लिए हैं 15 मीटर। तो इसको हम दिखाते हैं, ये जो मेरा ग्रीन वाला वायर है वो यहाँ जा रहा है यहाँ से, ओके, और यहाँ पर एक स्पाइक है, स्पाइक के मदद से यहाँ हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है। ये हमारा स्पाइक है, पूरा अर्थ के अंदर तक गया है। ये मेरा C2 कनेक्ट है, यहाँ से नट बोल्ट से टाइट किए हैं अगेन। उसके बाद ये येलो वाला वायर देख रहे हैं आप, जो आपके अर्थ टेस्टर से आ रहा है, ये P2, ये 30 मीटर है। इसको भी हम लोग यहाँ पर स्पाइक से गाड़े हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये एक स्पाइक यहाँ पर है, इसके नट बोल्ट से टाइट किए हैं येलो वायर। ये मेरा P2 कनेक्शन है। कनेक्शन करने के बाद हम लोग वापस यहाँ पर आए हैं अर्थ टेस्टर के पास। ये कनेक्शन पूरा कंफर्म होने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसका एक हैंडल है यहाँ पर, इससे हम लोगों को इसको रोटेट कराना है और यहाँ पर इसका रीडिंग को चेक करना है। चलिए घूमिए, इस तरह घुमाना है, ओके। इसको 160 RPM पे हम लोग घुमाते हैं, कांस्टेंट घुमाना पड़ता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो 0.3 के लगभग आ रहा है, तो इसका रीडिंग है 0.3।